गुस्से को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसकी वजह से मनुष्य को जीवन में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्रोध की वजह से ही मनुष्य मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और पारिवारिक इन तमाम दिशाओं में समस्याओं का सामना करता है, या ऐसा कहें कि समस्याओं को आमंत्रण देता है। एक खुशहाल और सम्मानजनक जीवन के लिए इंसान को क्रोध का त्याग करना चाहिए या फिर गुस्से पर काबू करना आना चाहिए। लेकिन गुस्से पर नियंत्रण पाना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। आपको प्रशिक्षित, स्थिर और केंद्रित दिमाग बनाना होगा। हिंदू शास्त्रों में मंत्र जाप का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि मंत्र जाप से जहां व्यक्ति को मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति मिलती है, वहीं भगवान से बात करने और उनके करीब होने का ये एक उत्तम साधन है। आत्मा के सूक्ष्म अंतराल में अपने आप के संबंध में पूर्ण ज्ञान मौजूद है। वह अपनी स्थिति की घोषणा प्रत्येक क्षण करती रहती है ताकि बुद्धि भ्रमित न हो और अपने स्वरूप को न भूले। थोड़ा सा ध्यान देने पर आत्मा की इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। उस ध्वनि पर निरंतर ध्यान दिया जाए तो उस घोषणा के करने वाले अमृत भंडार आत्मा तक भी पहुंचा जा सकता है। इसके लिए हम आपको एक तरीका बता रहे हैं जिसका नाम है सोहम ध्यान। दिमाग को शांत करने और गुस्से को कम करने में सोहम ध्यान काफी मदद करता है। तो चलिए जानते हैं कैसे करें सोहम ध्यान। सोहम ध्यान करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम आपको यहाँ पर सिद्धासन लगाकर बताने जा रहे हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व नित्य क्रम से निपटकर पूर्व की ओर मुख करके किसी भी शांत स्थान पर बैठिए। मेरुदंड सीधा रहे। दोनों हाथ को समेटकर गोदी पे रख लीजिए। नेत्र बंद रखें। जब नासिका द्वार वायु भीतर प्रवेश करने लगे तो सूक्ष्म कर्णेन्द्रिय को सजग करके ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए कि वायु के साथ सो की ध्वनि सूक्ष्म ध्वनि हो रही है। इसी प्रकार जितनी देर सांस रोक कर रखें और वायु के निकलते समय हम की ध्वनि पर केंद्रित करिए। साथ ही हृदय स्थित सूर्य चक्र के प्रकाश बिंदु में आत्मा के तेजोमय स्फुलिंग की धारणा कीजिए। जब सांस भीतर जा रही हो और सो की ध्वनि हो रही हो, तब अनुभव कीजिए कि यह तेज बिंदु परमात्मा का प्रकाश है। स अर्थात परमात्मा, अहम अर्थात मैं। जब वायु बाहर निकले और हम की ध्वनि हो, तब उसी प्रकाश बिंदु में भावना कीजिए कि यह मैं हूँ। अ की विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है। आरंभ में उस हृदय स्थित बिंदु को स्वध्वनि के समय ब्रह्म माना जाता है और उस पीछे उसी की हम धारणा में जीव भावना हो जाती है। इस भाव परिवर्तन के लिए अ का अवकाश काल रखा गया है। इसी प्रकार जब हम समाप्त हो जाए, वायु बाहर निकल जाए और नई वायु प्रवेश करे, उस समय भी जीव भाव हटाकर उस तेज बिंदु में ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल जाता है। यह दोनों ही अवकाश अ के समान है, परंतु इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती। शब्द तो सोहम का ही होता है। श्वास शरीर और मन के बीच एक सेतु है। ध्यान करने का प्रयास करते समय मांसपेशियों में तनाव और दिमाग में शोर भरे विचार आना बेहद आम है। तंत्रिका तंत्र तनावग्रस्त शरीर और शोरगुल वाले मन के बीच मध्यस्थ है। उस तंत्रिका तंत्र और बदले में शरीर और दिमाग को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका सांस के माध्यम से है। यह योगियों द्वारा हजारों वर्षों से ज्ञात है और हाल के वर्षों में आधुनिक चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक समुदाय द्वारा भी व्यापक रूप से जाना जाने लगा है। इस प्रकार जितनी देर सहजता से इस ध्यान को कर सके, सोहम मंत्र का जाप करते हुए इस ध्यान को करें। ध्यान कर लेने पर इस तरह से हाथों को रगड़कर हाथ की गर्मी से चेहरे पर आँख का हल्का मसाज करें, फिर शवासन पर लेटें। अंत में कुछ देर शवासन करें, लेट जाएं, शांत और निष्क्रिय हो जाएं, आंखें बंद कर निष्क्रिय पड़े रहें। आप बस अपने शरीर को स्थिर रखते हुए अपनी पीठ के बल लेटिए और शरीर के मन के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका दृष्टा बने रहिए। महसूस करें कि पूरा शरीर सौ जैसा पड़ा है, न हिलता है न डुलता है, बस आराम ही आराम है। अब अपने ध्यान को माथे के बीचों बीच आज्ञा चक्र या हृदय चक्र पर ले जाएं और साक्षी भाव से इस स्थान को अनुभव करते रहें। जितनी देर लेट सकें लेटे रहें, नींद आ जाए तो और भी बेहतर।
इस ध्यान विधि का प्रयोग 15 मिनट से लेकर घंटों घंटों किया जा सकता है। प्रारंभ में इसे 15 से 20 मिनट ही करें। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा वैसे वैसे आप देर तक बैठ पाएंगे। पूरी विधि को स्वाभाविक रूप से ही करने का प्रयास करें। सो हम ध्यान करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हुआ जा सकता है, फिर वह सिद्धासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन या फिर सुखासन ही क्यों ना हो। शारीरिक रूप से असक्षम लोग जो सुखासन पर भी ना बैठ पाए वे कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। हस्त मुद्रा, ब्रह्मांजलि मुद्रा या भैरव भैरवी मुद्रा में स्थित रखें। सूफी फकीरों का अनल हक परमहंस सन्यासियों के सुहम से मेल खाता है। गुरु नानक ने इस मंत्र की बहुत महिमा की है। आपके जीवन की अवधि वास्तव में योग के प्रकाश में इतने सारे सुहम सांसों से गिनी जाती है। यह वास्तव में इतने वर्षों से नहीं बना है। प्राणायाम के अभ्यास से आप सुहम सांसों को बचाते हैं और इस प्रकार अपने जीवन को लंबा खींच सकते हैं। सोहम मेडिटेशन से आपकी एकाग्रता, स्पष्टता और आंतरिक स्थिरता का विकास होगा, जो आपके दिमाग की जागरूकता को बढ़ाएगा और आपको नियंत्रित और संयमित बनाएगा। बता दें कि कुछ लोग इसे हमसा भी बोलते हैं। जिस प्रकार सोहम का अर्थ शिव से बताया गया है, उसी प्रकार हमसा का मतलब शक्ति से है। ऐसे में अगर आप सोहम या हमसा का उच्चारण करते हैं तो इसका अर्थ होता है शिव और शक्ति। इसके चमत्कारिक लाभ के लिए नियमित रूप से मंत्र जाप करने से विशेष लाभ होता है। साधना अपने आप को जानने की कला है। इस साधना से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है। हमें अपने तनाव, दर्द, क्रोध और मन और आत्मा की अन्य आपदाओं को नियंत्रित करना सीखते हुए मन और आत्मा की आंतरिक शांति पाने में मदद करता है। जब हम यह ध्यान करते हैं तो सबसे पहले हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं और वे शिथिल होती हैं। पूरे शरीर को आराम देने के लिए, आंतरिक शांति और विश्राम पाने के लिए सबसे पहले मांसपेशियों के तनाव और मन के शोर को नियंत्रित करना सीखना होगा। ऐसे करने के लिए व्यक्ति को मन और शरीर के बीच अंतर को पाटने के लिए आत्म जागरूकता का एक पुल बनाना होगा और फिर हमारा तंत्रिका तंत्र काम में आता है। यह एक पुल की तरह काम करता है जो शरीर को दिमाग से संवाद करने में मदद करता है। सोहम ध्यान के सिद्धांत मूल रूप से श्वास लेने की तकनीक पर ध्यान केंद्रित है। यह हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण को विकसित करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी मांसपेशियों के बीच दर्द को कम करने में भी मदद करता है। पीठ और घुटने के हिस्से में दर्द वाले लोगों के लिए काफ़ी प्रभावी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मांसपेशियों के बीच तनाव को कम करता है। सोहम ध्यान के लाभ अनंत हैं। शब्दों को न बोलें बल्कि मूक ध्वनि को कार्य करने दें। अपने भीतर उस मौन ध्वनि को खोजने का प्रयास करें जो बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाएगा। हमारा शरीर भीतर से धुने बजाता है। किसी को बढ़ती रचनात्मकता और बेहतर अंतर्ज्ञान के लिए अपने वास्तविक स्व का पता लगाने के लिए उन्हें खोजने की आवश्यकता है। सोहम ध्यान से ध्यान के वे सभी लाभ आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, साथ ही मंत्र जाप का भी लाभ मिल जाता है। सो ब्रह्म का ही प्रतिबिंब है, अ प्रकृति का प्रतिनिधित्व और हम जीव का प्रतीक है। सोहम का अर्थ वह मैं हूँ या मैं वह हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। स का अर्थ वह, अहम का अर्थ मैं। यह सभी मंत्रों में सबसे महान है। यह परमहंस सन्यासियों का मंत्र है। यह एक अभेद बोध वाक्य है जो जीव या व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म सर्वोच्च स्व की पहचान का प्रतीक है। ईशावास्य उपनिषद में यह मंत्र आता है, सोहम अस्मि, सोहम ही ओम है। व्यंजन अ और ह को हटा दें, आपको ओम मिलता है। सोहम संशोधित प्रणव या ओम है। कुछ को ओम से बेहतर सोहम पसंद है क्योंकि उन्हें इसे सांस के साथ जोड़ना या मिलाना सुविधाजनक और आसान लगता है। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। यदि आप केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि आप केवल श्वास को देखते हैं तो यह काफी है। सोहम का ध्यान ओम के ध्यान के समान ही है। सोहम मंत्र को सार्वभौम मंत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका कंपन पहले से ही श्वास का हिस्सा है और हर कोई श्वास लेता है। स
श्वास लेने की आवाज है और हुम सांस छोड़ने की आवाज है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। हर एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर ले तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सो हम ध्यान के अभ्यास से शरीर की हजारों नाड़ियां व चक्र शुद्ध होते हैं तथा सभी 7 प्रमुख चक्र स्पंदित होते हैं। यह सभी 7 चक्र स्वस्थ, सक्रिय व संतुलित होते हैं तथा कुंडलिनी ऊर्जा मूलाधार से सहस्त्रार की ओर ऊर्ध्वगामी होती है। उच्च ज्वर की दशा हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं अंत समय तक इसका अभ्यास कर सकती हैं। अभ्यास स्वच्छ व हवादार जगह पर करें, इसका विशेष ध्यान दें। जब उठें तो कोशिश यही करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत न हो। जितना ही आप मौन रहेंगे उतना ही आपको इस ध्यान का लाभ मिलेगा। दिन के सभी कार्य मौन रहते हुए साक्षी भाव के साथ संपादित करें। तो यह थी सोहम ध्यान की क्रांतिकारी विधि, जिसका सही रूप से प्रयोग किया जाए तो जीवन में वास्तव में क्रांति घट सकती है। शुद्ध व समर्पित ढंग से इसका प्रयोग करें और अपने दिए स्वयं बने, ताकि आपसे जो दिया प्रज्वलित हुआ है उससे अन्य दिए प्रज्वलित किए जा सके।